हेलो, मैं डॉक्टर विनय। आज आप लोगों सामने जेनेटिक्स का एक मजेदार टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस आप लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे, लेकिन आज आप लोगों के साथ जो है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस को जो है हम आपको अच्छे से जो है डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते किसे हैं? पहली चीज तो ये, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसे कहते हैं जब जो है एक टाइम पर जो है एट वन टाइम जीन जो है दो करेक्टर्स के लिए लिया जाए, जैसे कि हाइट है, हाइट के लिए जो है दो करेक्टर हैं, टाल होगा या डार्क होगा। ऐसे ही अगर सीड की बात करें, शीट शेप की, तो वो भी राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए, दो करेक्टर्स को जो है वो हम ले रहे हैं, इसीलिए इसको जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग जो है प्योर फॉर्म, जैसे कि टाल है और राउंड है, प्योर फॉर्म हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली दोनों तरफ से जो है वो प्योर है। फिनोटाइप मतलब कि जो हम बाहर से देख सकें कि हाँ, कोई मान लीजिए अगर प्लांट्स जो है देखने में लंबा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि फिनोटिपिकली देखने में जो है हमको लंबा लग रहा है। और जीनोटाइप जैसे कि इसके जो है दोनों ही जो है जीन्स जो हैं वो टॉल हैं, तो यानी कि कह सकते हैं ये प्योर फॉर्म में है। अब जैसे कि क्या है कि यहाँ पर टॉल और राउंड और यहाँ पर जो है डार्क और यहाँ पर रिंकल्ड, जो कैपिटल टी है वो टॉल को शो करता है जैसे कि यहाँ पर दिखा है, और जो स्मॉल टी है वो डार्कनेस को शो करता है यानी कि बौनेपन को। ऐसे ही सीट शेप की बात करेंगे तो कैपिटल आर राउंड को और स्मॉल आर रिंकल्ड को शो करता है। यहाँ पर देखिए, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर यानी कि एक प्योर फॉर्म है टॉल एंड राउंड प्लांट की। अब यहाँ पर डार्क एंड रिंकल्ड फॉर्म जो कि प्योर फॉर्म में अगर इसका क्रॉस कराया जाएगा, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन जब क्रॉस होकर के आती है तो दोनों में ही जो है हेटरोजाइगस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब टार राउंड का जब जो है गैमेट्स जो है बनेंगे तो एक कैपिटल टी एक कैपिटल आर मिल जाएगा हमको, और यहीं पर ऐसे ही प्योर फॉर्म में जो है डार्क और रिंकल्ड, स्मॉल टी और स्मॉल आर मिल जाएगी। जब इनका फ्यूजन कराएंगे तो F1 जनरेशन यानी कि फिलियल फर्स्ट जनरेशन में जो है हमको हेटरोजाइगस कंडीशन मिलेगी जो कि टाल एंड राउंड होगा। अब F1 जनरेशन के जब हम क्रॉस कराएंगे तो ये देखिए, ये हेटरोजाइगस कंडीशन में है दोनों, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां पर भी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इसका जब जो है क्रॉस कराएंगे, पहले तो हम इसके जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए, गैमेट्स का जो है फॉर्मेशन करने के लिए क्या होगा कि पहले तो जो है एक कैपिटल टी एक कैपिटल आर, फिर क्या होगा इस तरीके से, एक कैपिटल टी इसका इससे क्रॉस होगा, फिर क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर क्या होगा स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर। इस तरीके से जो है कुछ क्रॉस करके जो है चार गैमेट्स बनेंगे, और यहाँ पर भी सेम चार गैमेट्स बनेंगे, और जो कि जब फ्यूजन करेंगे तो F2 जनरेशन जो है हमको मिलेगी जो कि हेटरोजाइगस कंडीशन में ही मिलेगी मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग। अब आइए देखते हैं, चार गैमेट्स को जो है यहाँ पर रख दिया कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी सॉरी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। सेम ऐसे ही जो है इस सीक्वेंस में यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर चेकर बोर्ड इसको नाम दिया जाता है, इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है कुछ स्टूडेंट को, तो आइए आज समझते हैं हम लोग बहुत ही सिंपल वे में। अब करना क्या है आपको कि देखिए, कैपिटल टी और स्मॉल, देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर दोनों कहीं पर दिए गए हों जीन्स, तो होता क्या है कि एक डोमिनेंस जीन होता है एक रिसेसिव होता है। तो कैपिटल टी जो है जो टालनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जो है स्मॉल टी यानी कि डॉर्फनेस को जो है वो यानी कि डोमिनेंट रहेगा, ये कैपिटल टी जो है स्मॉल टी पर डोमिनेंट रहेगा। तो ये जो है फिनोटिपिकली जो है वो हमको करेक्टर जो है यहाँ पर टॉल का मिलेगा अगर हेटरोजाइगस कहीं पर कंडीशन है तब। अब क्या होगा, जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल
कैपिटल टी, इसका क्रॉस कराएंगे, अब क्या होगा कैपिटल टी, और यहां पर देखिए कैपिटल टी आ गया और कैपिटल आर, कैपिटल आर यहां पर दोनों लगे, तो हमको मिला टाल एंड राउंड प्लांट। ऐसे ही जब आप जो है क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहां पर जो है टाल और राउंड मिलेगा, ये फिनोटिपिकली हम लोग देख रहे हैं। अब क्या होगा यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, यहां पर टाल और राउंड मिलेगा, यहां पर क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहां पर टाल एंड राउंड यहां पर भी मिलेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहां पर भी टाल और राउंड जो है मिलेगा हमको। ये फिनोटिपिकली रेशियो है जो कि टाल एंड राउंड है, बताएंगे आपको आगे चलकर। यहां पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल आर टाल और रिंकल्ड मिल रहा है यहां पर, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर टाल और राउंड मिल रहा है, यहां पर क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, स्मॉल आर टाल एंड रिंकल्ड, यहां पर क्या है देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, और यहां पर देखिए थोड़ा सा गलती हुआ है, ये स्मॉल आर होगा, तो यहां पर भी जो है टाल एंड राउंड मिलेगा हमको। अब जो है स्मॉल टी है यहां पर, यहां पर भी थोड़ा सा जो है गलत हुआ है, स्मॉल टी यानी सॉरी यहां पर जो है क्या कैपिटल टी स्मॉल टी सही था, यहां पर सॉरी यहां पर सही था कि कैपिटल टी स्मॉल टी है और कैपिटल आर दोनों तरफ है, ये देखिए यहां से। अब क्या होगा कि कैपिटल टी यहां पर आया, स्मॉल टी इधर से आया, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। अब यहां पर देखिए आइए स्मॉल आर स्मॉल टी दोनों तरफ से और कैपिटल आर दोनों से, तो यहां पर डार्क और राउंड मिलेगा हमको, और यहां पर देखिए स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर डार्क और राउंड मिलेगा हमको प्लांट। अब यहां पर आइए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर टाल और राउंड प्लांट मिलेगा, सी डिस्क का राउंड होगा। अब यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैप स्मॉल आर यहां पर टाल और रिंकल्ड प्लांट मिलेगा। अब यहां पर आइए स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर डार्क और राउंड प्लांट मिलेगा। अब यहां पर आइए देखिए स्मॉल टी स्मॉल आर ये डार्क और रिंकल्ड प्लांट मिलेगा हमको। अब देखिए एक फार्मूला होता है कि आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चेकर बोर्ड समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पर जो है एक फार्मूला होता है, जब कंडीशन जो हेटरोजाइगस होती है तो यहां पर जो है नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने का फार्मूला आता है 2n। n का मतलब है कि कितनी हेटरोजाइगस कंडीशन है। तो देखा होगा आप लोगों ने यहां पर जो हेटरोजाइगस जो कंडीशन थी, एक तो टॉल और राउंड की थी, तो यहां पर दो ही, एक तो हाइट की थी और दूसरी शीट शेप की थी, तो यहां पर हेटरोजाइगस कंडीशन 2 के लिए थी। तो यहां पर 2 की पावर n है, n का मीन्स यहां पर हेटरोजाइगस कंडीशन कितनी है, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 4 फिनोटाइप हमको मिलेंगे यहां पर डाईहाइब्रिड क्रॉस में। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस में देखिए कौन कौन से 4 फिनोटाइप मिलेंगे, टाल एंड राउंड प्लांट मिल सकता है, टाल एंड रिंकल्ड मिल सकता है, डार्क एंड राउंड मिल सकता है, डार्क एंड रिंकल्ड। इनके अलावा आपको चेकरबोर्ड में जो है कोई और भी अन्य फिनोटाइप नहीं देखने को मिलेगा। आइए अब बात करते हैं कि जीनोटाइप, जीनोटाइप निकालने का भी एक फार्मूला होता है 3n। n का मतलब यहां पर भी जो है हेटरोजाइगस कंडीशन है। अब हेटरोजाइगस कंडीशन है यहां पर तो 2 होगा, यहां पर 3 यानी कि 9 टाइप के जीनोटाइप जो है आपको देखने को यहां पर जो है मिल जाएंगे चेकरबोर्ड में, 9 टाइप के जीनोटाइप। अब यहां पर देखिए कि नंबर ऑफ प्रोजेनी मतलब कि ऑफस्प्रिंग कितने जो है या बेबी प्लांट्स जो है वो कितने डेवलप होंगे, तो यहां पर भी जो है जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें जो हेटरोजाइगस कंडीशन जो है 2 होती है। अब देखिए 2 होती है तो यहां पर 4 की पावर n, n का मतलब 2, तो 4 × 4 16 जो है प्रोजेनी हमको मिलेगी, 1, 2, 3, 4 और 4 × 8, 4 × 8, 4 × 8, 16 प्रोजेनी। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि जैसे कि जो है जहां पर जो है दोनों है, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहां पर आर का इफेक्ट क्यों नहीं देखने को मिलता है, स्मॉल आर यानी कि रिंकल्ड का और यहां पर डॉटनेस का। देखिए मेंडल का नियम है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस,
लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि एक जीन जो है दूसरे जीन को जो है मतलब कि एपिस्टेटिक कर देता है या उसको जो है दबा देता है, इनहिबिट कर देता है। इस वजह से जो है टॉलनेस जो वाला जीन जो है वो डॉर्फनेस को जो है इनहिबिट कर देता है और अपना जो है फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देता है। ऐसे ही सेम जो है राउंड जो है सीड शेप जो है वो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देता है और रिंकल्ड शेप सीड को जो है वो इनहिबिट कर देता है। इस वजह से जो है हमको फिनोटिपिक रेशियो जो है फिनोटिपिक जो है एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिलता। अब देखिए कि जीनोटाइप्स निकालने का एक सिंपल वे भी है जिसे जो है हम लोग क्विक वे में जो है चेकरबोर्ड बनाने की जो है जरूरत नहीं रहेगी। और कहीं पर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि हेटरोजाइगस आपको कंडीशन दे दी जाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसमें जो है जो एफ टू जन एफ टू क्रॉस होगा उसमें जो है अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल आर कितने जो है प्रोजेनी आपको मिलेंगे, तो उसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है कि आप जो है पहले क्या कीजिए कि इनके जो है जैसे कि गैमेट्स बना दीजिए। तो गैमेट्स कैपिटल टी इसमें कैपिटल आर इस तरीके से आप गैमेट्स बना लीजिए जैसे कि आप लोगों ने बनाए थे। अब क्या कीजिए कि कैपिटल टी और इसको जो है तीन तीन पेयर में आप जो है बना लीजिए, जैसे कि कैपिटल टी तीन बार लिख लीजिए कैपिटल टी कैपिटल टी यहां तक लिख दिया आपने। अब क्या करना है, ये तो टॉलनेस के लिए। अब बचा क्या है सीड शेप। सीड शेप के लिए आपको क्या करना है कि एक बार जो है दोनों जो जीन है दोनों जो कैरेक्टर हैं या दोनों जो जीन है उनको जो है दोनों एलील हैं जीन के उनको क्या करना है कि दोनों को जो है वो आर आर मतलब कैपिटल फॉर्म में लिखना है, एक बार हेटरोजाइगस फॉर्म में लिखना है और एक बार रिसेसिव फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर देखिए एक बार कैपिटल आर एक बार कैपिटल आर स्मॉल आर एक बार स्मॉल आर। यहां पर क्या है देखिए डोमिनेंट फेज में दिखाई दे रहा है आपको यहां पर हेटरोजाइगस फॉर्म में और यहां पर रिसेसिव फॉर्म में। अब देखिए अब तीन बार आपने लिखा है कैपिटल टी। अब लिखना है आपको तीन बार कैपिटल टी स्मॉल टी थ्री टाइम्स लिखना है आपको। अब यहां पर भी सेम जो है वैसे ही कैपिटल आर एक बार कैपिटल आर स्मॉल आर हेटरोजाइगस कंडीशन और एक बार रिसेसिव में स्मॉल आर। थर्ड फेज में आप लोगों को क्या करना है कि तीनों बार ही जो है स्मॉल टी लिखना है और वहां पर क्या होगा शीट शेप में जो है कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। अब एक डिजिट आप याद कीजिएगा 9 डिजिट का, जैसे कि आप लोग फोन नंबर याद कर लेते हैं 10 डिजिट का, सेम उसी कंडीशन में कि 1 2 1 2 4 2 1 2 1। अगर आपसे पूछा जाए कि कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर कितने होंगे, अब देख लीजिए यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी और ये तो नहीं होगा क्योंकि स्मॉल आर नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। ये देखिए ये और ये आला जो है सेम है, तो यहां पर देखिए पूरे जो है चेकर बोर्ड में डायहाइब्रिड क्रॉस में जो है वो दो मिलेगा, इसका अंक जो है वो दो होगा इसका राइट आंसर। कि अगर कोई पूछे कितना है इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर जो है डायहाइब्रिड क्रॉस में जो है कितना बनेगा उसमें प्रोजेनी में, तो उसमें 2y 16 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 2 जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर और टोटल प्रोजेनी का नंबर है 16 होगा। देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस में जो है रेशियो कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, तो फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1 और जबकि जीनोटिपिक रेशियो की बात करें 1:1:2:1 2:4:2:1:2:1। अब फिनोटिपिक रेशियो में जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा वो टाल एंड राउंड, 9 जो है आपको टाल एंड राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपको जो है टाल एंड राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाल एंड राउंड जो है आपको 9 देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब ऐसे ही जो है वो 3 जो है आपको जो है टॉल एंड रिंकल्ड मिलेंगे, जैसे कि 1 2 टॉल और रिंकल्ड कहां पर 3। ऐसे ही आपको जो है डार्क एंड राउंड भी 3 ही देखने को मिलेंगे, 1 2 और
1, 2 and 3। और 1 जो मिलेगा आपको वो डार्क और रिंकल्ड मिलेगा, जैसे कि आप लोगों को ये देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है फिनोटिपिक रेशियो जो है 9:3:1 मिलेगा। और जीनोटिपिक रेशियो की बात करें 1:1, 2:4:2, 1:1, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर शो कर दिया गया है शॉर्ट फॉर्म में। आशा करते हैं कि आप लोगों को डायहाइब्रिड क्रॉस जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।